इस समय मिथिलेश पावस्कर जी की पसंदीदा शेयर कौन कौन से हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो मिथिलेश जी, आज चुन चुन करके में आप कौन से शेयर चुन चुन करके लेके आए हैं हमारे दर्शकों को भेंट करने के लिए? देखो, मैं यूपीएल लिमिटेड के साथ जाना पसंद करूंगा। यूपीएल लिमिटेड में मेरे हिसाब से जो एक डाउनसाइड मोमेंटम आई थी वो थोड़ा सा रुकते हुए मुझे लग रहा है, लेकिन कंडीशनल कॉल होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये अगर 647 मतलब 647 के आसपास का अगर ब्रेकआउट देता है तो 630 रुपए के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें पोजीशन बनानी है। ऊपर में पहला जो टारगेट होगा वो 680 रुपीज का होगा और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 720 रुपीज का होगा। दूसरा जो काउंटर होगा वो मेरा होगा अडानी बिलमार का। अडानी बिलमार में अगर हम लोग देखेंगे तो 400 रुपए के आसपास काफी अच्छा बेस बना रहा है और 409 से लेके 410 ये जिस दिन भी ब्रेकआउट करेगा तब आप इसमें पोजीशंस बनाना। 395 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 440 का। 440 के आसपास एक बार के लिए रिव्यू करें, अगर ये 440 को काट देते हैं तो फिर से 500 तक की इसमें पोजीशंस खुल सकती है। तो दो शेयरों पर ख़रीदारी की सलाह दी गई है और यहाँ पर यूपीएल के अंदर ख़रीदारी की सलाह दी गई है। वो यूपीएल में आपको बता दें कि 647 के ऊपर ख़रीदारी की सलाह दी गई है कि 647 अभी 640 के आसपास चल रहा है और 647 के आसपास जाए तो वहाँ पे आप खरीदिए। यहाँ पर 670 680 के टारगेट, आपको 700 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो 630 रुपये का रखा गया है, यानी कि मौजूदा भाव से मात्र 10 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस और ऊपर का अपसाइड करीब 50 से 60 रुपये का देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं। तो अदानी विल्मर पसंद आ रहा है मिथिलेश पावस्कर जी को और यहाँ पर भी 37 रुपये ऊपर का एक लक्ष्य दिया गया है और 7-8 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह दी गई है। तो 440 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं अदानी विल्मर में। ये आज के दो पसंदीदा शेयर अदानी विल्मर और यूपीएल, यहाँ पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। सर, चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर एक ही होगा कि मैंने ये स्टॉक मेरे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए, जो भी लेवल्स में डिस्कस करता हूँ सेम लेवल्स में क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ। स्टॉक में मेरा कोई भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है, मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ तो इंडेक्स में पोजीशंस हो सकता है और बाकी जो भी स्टॉक डिस्कस किए उसमें मेरा भी पोजीशंस नहीं है ना ही मेरे फैक्ट्री का पोजीशंस। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।